नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल मैनुअल चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक गेम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे मेरा ये पहला सीरीज होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्टिंग से एक गेम बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं कुछ लेवल तक आपको बना के दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद आपको समझना होगा किस तरह से आप अपने लेवल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस तरह के ट्यूटोरियल चाहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो मेरे जो भी होंगे वो हिंदी में होंगे और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यूनिटी से रिलेटेड ट्यूटोरियल डाल रखे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर के कमेंट थे, वो चाहते थे कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ हिंदी में ताकि वो देख सकें और सीख सकें। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, हिंदी में आप यूनिटी के ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग गेम बनाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा, बहुत अच्छे गेम आ चुके हैं इस तरह से, और जस्ट मैं उनको आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से उस तरह के गेम बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे बेसिक आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, इसमें डिपेंड ये करेगा कि आप किस तरह से ग्राफिक का यूज कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आपको बेसिक तरीका बता दूंगा कि आप किस तरह से इस तरह के गेम बना सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूंगा एक दो लेवल तक या तीन चार लेवल तक, बट दोस्तों आपको देखना है कि आप किस तरह से ग्राफिक्स का यूज करते हो, किस तरह से आप टेक्सचर यूज करते हो। और अगर आपको यूनिटी इंस्टॉल करना सीखना है तो मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से आप कुछ चीजों को सीख सकते हैं, लाइक आप यूनिटी कैसे इंस्टॉल करेंगे और कोई बेसिक बेसिक से टॉपिक पढ़ना है आपको तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली एक गेम हमें दिखेगा किस तरह से। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस गेम से। लाइक आपने देखा होगा बास्केटबॉल रोल खेला होगा, फिर बॉल बैलेंसर गेम आया था दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ था, उसको भी आपने देखा होगा। 3D बॉल बैलेंस गेम आया था, उसको भी आपने देखा होगा। तो अभी फिलहाल मेरे मोबाइल में अभी बास्केट रोल है जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका लुक आता है। देखिए दोस्तों, ये भी यूनिटी के थ्रू बना हुआ है और ये इस कंपनी का है, जैसाई बैस को। तो दोस्तों, ये फीलिंग जो है, जिस तरह से एनिमेशन चल रहा है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट मैं स्पेशली पहले गेम के बारे में बात करेंगे एंड देन फ्यूचर में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, ये पहला लेवल है माउंटेन का, मैं पहला लेवल आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये सारी चीजें भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इस गेम में, और धीरे धीरे जैसे भी हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको बहुत सारी चीजें पता चलती जाएगा। तो दोस्तों, बॉल एक्सट्रीम गेम आया, एक्सट्रीम 3 गेम आया, जिनमें से दोस्तों ये सबसे बेटर जो कंट्रोल लगे मुझे वो इस गेम का लगा, यानी कि बॉल रोलर का लगा। एंड देन इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉल का कंट्रोल है वो एसलेशन के थ्रू है, यानी कि फोन को आप जिधर घुमाते हैं उधर ये बॉल मूव करती है। अगर मैं आगे घुमाता हूँ तो बॉल आगे की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है। अब इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें पाथ है, इसमें स्टार है, इसमें साइड है, तो इस दोस्तों टेक्सचर है। और ये जो आप देख रहे हैं कि आपको पहाड़ यानी कि पर्वत वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, उनको दोस्तों स्काई बॉक्स के थ्रू लगाया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको उससे बात करने वाला हूँ। तो एक तो एक गेम है, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ है। चलिए मैं एक और गेम दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे गेम है और इस गेम को अगर मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ तो इस तरह से आप बहुत सारे गेम बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पार्ट बनाते हो, उस तरह से पार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। अब सेम कंट्रोल की गेम, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होते हैं कि कंट्रोल एक बार उन्हें अगर मिल जाता है कि किस तरह से हमारा गेम फ्लो होगा, तो उस तरह से गेम बनाना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये भी कुछ उस तरह से गेम है, इसमें भी आपको बॉल को कंट्रोल करना है जिस तरह आप मूव करोगे उधर। और यहाँ भी आपकी टोटल क्रिएटिविटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है किस तरह से आप इस गेम को सोच सकते हो।
तो इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप गेम अपना खुद का बना सकते हैं। देखिए बॉल नीचे की तरफ चली गई, ये सारे पैनल्स भी मैं आपको दिखा दूंगा बना के, बट आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों इससे क्यूरियोसिटी मेरी बनेगी कि मैं आपको गेम बनाना सिखाऊं, क्योंकि ये मेरी पहली सीरीज होगी जिसमें मैं आपको गेम बनाना सिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद मैं बॉल रेस की ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, जो कुछ लोगों की डिमांड थी मेरे व्यूअर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलर सॉ का यूज किया गया है, और मैंने दोस्तों सर्कुलर सॉ कैसे लगाया जाता है वो भी मैंने वीडियो जस्ट बना के अभी अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दिया किस तरह से हमारा गेम होगा, और मैं आपको धीरे धीरे इस तरह से लेवल वगैरह बना के भी आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आइडिया लग गया है कि किस तरह से हम लोग गेम बनाने वाले हैं। तो हमारी पहला ट्यूटोरियल है इस पे, और जस्ट मैं नेक्स्ट पार्ट से आपको ये सारी चीजें दिखाना स्टार्ट करूंगा किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ट्यूटोरियल में एक प्रोजेक्ट लेते हैं। तो होप आपको यूनिटी की बेसिक आती होंगी, यूनिटी में सी शार्प में कोडिंग कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह कैसे लेते हैं, तो इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी बेसिक से गेम बनाना सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपका जो टेम्पलेट है वो 3D चूज हो, ये सारी चीजें अलग है। तो अभी हम लोग 3D गेम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट मैंने 3D चूज कर लिया। तो दोस्तों 3D में बहुत ही बेसिक गेम है जहाँ से आप सीख सकते हो, 3D की जो भी चीजें हैं आप यहाँ से बेसिक सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे लिया लोकेशन है, एंड देन 3D एंड देन क्रिएट पैक प्रोजेक्ट। दोस्तों अब आगे जो भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा उनमें धीरे धीरे सारे कोर्स जो है ये मेरा आगे बढ़ता जाएगा, और आने वाले दिनों में मैं दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल पोस्ट करने वाला हूँ यूनिटी से रिलेटेड, ब्लेंडर से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी एंड्रॉइड पे ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, यूनिटी भी बना चुका हूँ, और यूनिटी में दोस्तों मैं कुछ स्पेसिफिक गेम बना के ट्यूटोरियल पोस्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कि कुछ लर्निंग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। कोई अगर आपका सलाह है जो आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्रिएट होने में। और दोस्तों प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन कैसे बनाए जाते हैं मैंने बहुत बेसिक तरीका बताया है, तो आप उसे भी वहां से सीख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी जिसमें पूरी सारी चीजें रियलिटी की नहीं होती है, उसमें आप अपने कोडिंग के थ्रू किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हो। उसके लिए कैमरे का यूज किया जाता है जो आपके फोन का कैमरा होता है। तो उसमें दोस्तों मैंने बहुत ही बेसिक शेयर किया है, जिसको आप देखने के बाद आप अपने थॉट के हिसाब से कोई भी गेम बना सकते हो। तो आज की वीडियो में जस्ट आपको प्रोजेक्ट ले लिया हूँ, और इसमें मैं आपको सेट करके दिखाने वाला हूँ एंड्रॉइड के लिए, एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हम लोग सीखेंगे किस तरह से आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं, किस तरह से बॉल का मूवमेंट होता है, ऑडियो से लेके सारी चीजें हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ओके तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके आ गया, सिंपल सीन है बॉल। अब इसे हमें क्या करना है कि ये अभी PC के लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे एंड्रॉइड के लिए बनाएंगे, और आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप इसे अपने iOS डिवाइस पे भी चला सकते हैं। तो मैं चलिए एंड्रॉइड के लिए इसे कन्वर्ट करता हूँ। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होंगी,
यहाँ से दोस्तों लेआउट वगैरह चेंज होते हैं, 2x3 में से आप एक एक को चूज करके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका एसेट होगा जो भी आप अपने गेम के अंदर यूज करोगे, स्टार से लेके प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी, अगर आप अलग से बाहर से कोई बना बनाया यूज करना चाहते हो तो। और ये दोस्तों आपकी हायरार्की है कि कोई भी चीज जो गेम के अंदर है वो यहाँ पे जरूर होगी। और यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग 3D गेम पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेन कैमरा है, मेन कैमरा में जो दिखाई देगा वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पर गेम का व्यू होगा। और यहाँ पे दोस्तों 3D एक्सपेक्ट है, तो इसमें आप यहाँ से प्लस करके कोई रेशियो एड कर सकते हो, लाइक मैंने 480x800 करा है। अगर कोई आप पर्टिकुलर साइज चूज करना चाहते हो फोन का, तो यहाँ पे आप एड करके ओके करोगे तो वो चीज यहाँ पे दिखाई देगी, उसे आप चूज कर सकते हो। लाइक मैं इसे डाला हुआ था एंड्रॉइड 800x1200, तो ये दिखाएगा कि इस तरह से मेरा फोन दिख रहा है, इस तरह के फोन में किस तरह से मेरा गेम दिखेगा। और मेन कैमरे में जो चीजें दिखेंगी वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है दोस्तों। और ये डायरेक्शन लाइट है, डायरेक्शन लाइट ये क्या करती है कि आपके गेम में लाइट देने का काम करती है, अगर ये ना हो तो इस तरह से आपका गेम दिखेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको अब एंड्रॉइड के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सारा काम एंड्रॉइड पे करेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक्सीलरेशन का यूज करेंगे, ताकि आप अपने बॉल को मूव करने के लिए लेफ्ट राइट या जिधर भी आप अपने फोन को मूव करोगे उधर बॉल मूव करेगी। तो डायरेक्ट हम लोग फोन पे ही चेक करेंगे, तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है कि बिल्ड सेटिंग पे जाना है, पहले फाइल बिल्ड सेटिंग। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनिटी से हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना सकते हैं। तो मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ एंड देन स्विच प्लेटफॉर्म करता हूँ, ये क्या करेगा कि एंड्रॉइड के लिए आपके बिल्ड को प्रिपेयर कर देगा। तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें दोस्तों क्या करना होता है कि आपको एंड्रॉइड के लिए बनाने के लिए आपको यहाँ पे पैकेज वगैरह सेट करने होते हैं, तभी आप इसको फोन पे रन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी है, तो जस्ट मैं इसे नेस्टेड मैंगो नाम देता हूँ। और ये हमारे गेम का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आइकन वगैरह सेट करेंगे, तो जब हमारा गेम बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप आइकन लगा सकते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से आप अपने गेम को पब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक एप्लीकेशन का हर एक गेम का यूनिक होता है। तो दोस्तों इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना होता है पैकेज नेम का, जब भी आप अपने गेम को पब्लिश करना चाहते हो या बनाते हो। और वर्जन और बिल्ड दोस्तों इसके लिए होता है कि जब आप प्ले स्टोर पे अपना गेम अपडेट करते हो तो इनको चेंज करना होता है। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो प्ले स्टोर इसका अपडेट आपको अपडेट नहीं करने देता है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो पहले हम लोग इसको करते हैं कंपनी। तो कंपनी में मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, नेस्टेड मैंगो। और यहाँ प्रोडक्ट नेम में हम क्या करेंगे, बॉल गेम ट्यूटोरियल। दोस्तों पैकेज नेम सेट हो चुका है, अब हमें इसमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और दोस्तों होप कि आपने इतना कुछ कर लिया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एंड्रॉइड पे बना के देखेंगे एंड देन इसे हम फोन में रन करेंगे डायरेक्ट, इस तरह से ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। और दोस्तों आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं, अगर कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर लर्निंग के ट्यूटोरियल और गेम प्ले के वीडियो पोस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन।